अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे 2 किलो मछली का ग्रेवी करी ऑथेंटिक विलेज स्टाइल में। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुछ मसाले हमने ले लिए हैं, 2-3 अड़िया मतलब अक्खा लहसुन लिया है होल, 2-3 इंच का अदरक लिया है, 5-6 लाल मिर्च, 5-6 हरी मिर्च, जीरा लिया है 1 टीस्पून भर के, और 2-4 हाफ टी स्पून काली मिर्च है, और 1 प्याज है, और ये मस्टर्ड है 1 टीस्पून भर के, और 1/2 टीस्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून भर के धनिया है अक्खा धनिया। इन सबको हम पीसेंगे। हम सिल पे पीस रहे हैं, एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में बना रहे हैं हम। अगर आप चाहिए तो आप इसे मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हो सेम मसाले को। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मुझे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी के लिए मुझे फॉलो भी करिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं इस वीक आपके लिए लेके आऊँगी, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब ये देखिए मछली है, हमारा मसाला भी तैयार हो गया। अब मछली को हम थोड़े से गेहूं के आटे में, गेहूं का आटा लिया है हमने, उसमें आधा टीस्पून नमक डाल दिया था बस, और उसे अच्छे से मछली को चारों तरफ कोट करके, मस्टर्ड ऑयल लिया है हमने 1 कप भर के, इसमें हम फ्राई करेंगे। एक साइड गोल्डन हो गया, अब इसे हम पलट लेंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर हम आने देंगे। फ्लेम हमारा हाई रहेगा, लो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अलट पलट के चारों तरफ से हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक का। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इसके अंदर, ऐसे ही कलर हमें चाहिए। देखिए अब इसे हम निकाल लेंगे अपनी मछली को सारी की सारी, और इसी तरीके से हम अपनी सारी फिश ऐसे ही फ्राई करेंगे हल्का सा आटे में मिक्स करके, 1 बाय 1 करके। देखिए हमारी सारी फिश फ्राई हो गई है, अब इसे हम एक साइड रख देंगे। अब बड़ी कढ़ाई लिया है हमने, उसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के हम ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून मेथी दाना लिया है हमने तड़के के लिए, इसमें मेथी दाना का तड़का डलता है, उसे अच्छे से तड़का दे देंगे। अब सारे मसाले हम डाल देंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा उसमें पानी डाल देंगे हम मसाले के अंदर मिक्सिंग करने के बाद, और इसे अच्छे से वापस मिक्स करेंगे और भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से। 5-6 मिनट हमें अच्छे तरीके से इसे भुनाई करना है। देखिए फिर से हम इसकी भुनाई करते करते मसाले का कलर डार्क हो गया है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं गया। अब इसे हम 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया, इसके अंदर हम डालेंगे नमक, इस स्टेज में हम नमक डालेंगे। अब मिक्स कर लेंगे वापस से एकदम अच्छे से मसाले को, फिर 2-4 मिनट के लिए हम फिर भूनेंगे मसाले के। देखिए इतना हमें भूनना है कि ऑयल मसाला बर्तन में बिल्कुल ना छिटके। अब इसमें हम पानी डालेंगे, 1 लीटर पानी हम डालेंगे इसके अंदर पूरा, उससे कम पानी बिल्कुल भी डालेंगे। थोड़ा पानी डाल के हम चला लेंगे उसे, फिर वापस से और थोड़ा पानी डालेंगे अच्छे से, और वापस उसे अच्छे से चला लेंगे। अब उसमें डालेंगे 4 खटाई डालना है, आम की खटाई होती है, इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो या आप टमाटर भी डाल सकते हो। अब उसे हम रखेंगे उबलने के लिए, जब तक उबल जाएगा हमारा पानी उसमें हम सारी मछली जो हमने फ्राई की है वो डाल देंगे। सारी की सारी मछली हमने उसमें अच्छे से डाल दी, एक बार ऊपर नीचे हम कर देंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे उसके अंदर। इसे हम ढक देंगे, 5 मिनट पूरा पकने देंगे। 5 मिनट के बाद इसे हम और 10 मिनट रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद इसका ये फाइनल लुक है, देखिए इसका कलर ज़बरदस्त आया है। रेसिपी एकदम ऑथेंटिक है, 2 किलो रोहू की फिश करी ये रेसिपी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, और इन्जॉय कीजिए विलेज स्टाइल रोहू फिश करी किचन विद जायका के स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम।